तो विल्सन 28 नवंबर 1959 को भारत पहुंचे थे। 1857 के गदर ने ब्रिटिश हुकूमत के संसाधनों पर गहरे घाव किए थे। खर्चे और बड़े कर्ज बेहिसाब बढ़ गए थे। विल्सन एक अर्थशास्त्री भी थे जिन्हें बाजार का गहरा ज्ञान था। ब्रिटिश हुकूमत में बैठे आला अफसरानों को उनमें वो व्यक्ति नजर आया जो उन्हें गंभीर वित्तीय स्थिति से उबार सकता था। 7 अप्रैल 1860 को शाम 5 बजे विल्सन ने अविभाजित भारत का पहला वित्तीय बजट पेश किया था। शाम 5 बजे इसलिए जिससे कई दिन और रात जागे अफसरों को कुछ आराम मिल सके। इस बजट की कुछ खासियतें इस तरह थीं। ये ब्रिटिश मॉडल पर आधारित भारत का पहला वित्तीय बजट था। इसमें राजनीतिक और फौजी कारणों से टूटे वित्तीय सूत्र फिर जोड़े गए थे। सैन्य वित्त आयोग की नागरिक व्यय की कई शाखाओं की समीक्षा की गई थी। लेखा और खाते की तत्कालीन प्रणाली की भी समीक्षा हुई थी। वित्त मंत्री पद से जुड़ी जिम्मेदारियां और कार्यों की भूमिका की रूपरेखा तैयार की गई थी। विल्सन के बजट ने भारत को निश्चित रूप से एक मूल्यवान वित्तीय प्रशासन उपकरण दिया था, पर उनके आयकर अधिनियम ने व्यवसायों के साथ साथ जमींदारों और आम जनता को भी परेशान किया। विडंबना तो इस बात की रही कि पहले भारतीयों को दबाने और फिर उन्हें एक सुरक्षित वातावरण प्रदान करने के लिए कर लगाने की ब्रिटिश हुकूमत की चाल सफल रही। स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को सर आर के शनमुखम चेट्टी द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तब का बजट विभाजन और दंगों की पृष्ठभूमि पर तैयार किया गया था। स्वतंत्र भारत का पहला बजट केवल 7.5 महीने का था और यह पहली बार था जब अंतरिम बजट, जिसका अर्थ अल्प अवधि के लिए बजट था, अस्तित्व में आया। इसमें कुल राजस्व का बजट अनुमान महज 171.15 करोड़ रुपए था और राजकोषीय घाटा 204.59 करोड़ रुपए था। इस बजट में कोई नया कर नहीं लगाया गया था। बजट में तवज्जो 3 प्रमुख व्यय, खाद्यान्न उत्पादन, रक्षा सेवाओं और नागरिक व्यय पर थी। खाद्य उत्पादन कम था और इसलिए खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी। ये पहला केंद्रीय बजट था जिसमें ये निर्णय लिया गया था कि भारत और पाकिस्तान दोनों सितंबर 1948 तक एक ही मुद्रा साझा करेंगे। '49-50 और '50-51 में जॉन मथाई ने भारतीय गणराज्य का केंद्रीय बजट पेश किया। मथाई का बजट वो बजट था जिसमें सभी रियासतों और भारत को एकजुट किया गया था। इस बजट ने योजना आयोग के निर्माण का रोडमैप रखा था। योजना आयोग देश के सभी संसाधनों का आकलन करता था और इन संसाधनों के सबसे प्रभावी उपयोग की योजना बनाता था। इस दौरान देश बिहार में बाढ़, बंबई में चक्रवात और पश्चिमी तट पर आने वाले अकाल से भी जूझ रहा था। दूसरे, बजट का लक्ष्य मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति को नियंत्रित करना था, क्योंकि समाज के कुछ वर्गों में क्रय शक्ति बढ़ी थी। बजट का फोकस खाद्य नियंत्रण करना, उचित मूल्य पर खाद्यान्न की आपूर्ति बढ़ाना और विदेशों से खाद्यान्न आयात को सीमित करना था। इसमें IBRD और IMF से डॉलर ऋण लेने का प्रस्ताव विकास परियोजनाओं को मंजूरी देने के लिए शामिल किया गया था। कश्मीर घाटी में सैन्य दखल के कारण रक्षा क्षेत्र में भी वृद्धि हुई थी। 1952 का बजट ऐसा पहला बजट था जो चुनी हुई संसद के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। 1957 में कृष्णमाचारी ने बजट पेश किया था जिन्होंने सक्रिय आय यानी वेतन या व्यवसाय और निष्क्रिय आय यानी ब्याज और किराए के बीच अंतर करने की कोशिश की थी। इसके बाद जवाहरलाल नेहरू ने बजट पेश किया था। नेहरू बजट पेश करने वाले पहले प्रधानमंत्री थे। 1959-61 और 63-64 में मुरारजी देसाई ने यूनियन बजट पेश किया था, जबकि 1962-63 में उन्होंने अंतरिम बजट पेश किया था। इस समय तक बजट की प्रस्तुति फरवरी के आखिरी दिन चली गई थी, लेकिन शाम 5 बजे बजट पेश करना जारी रहा। दिलचस्प बात यह है कि मुरारजी देसाई ने 29 फरवरी 1964 और 1968 को अपने जन्मदिन पर दो बजट पेश किए थे। मुरारजी देसाई ने पहले कार्यकाल के दौरान
5 वार्षिक बजट और एक अंतरिम बजट और दूसरे कार्यकाल में एक अंतरिम बजट पेश किया था, जब वो भारत के वित्त मंत्री और उप प्रधानमंत्री दोनों थे। 1973-74 का बजट भारत में ब्लैक बजट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस बरस देश का राजकोषीय घाटा यानी फिस्कल डेफिसिट 550 करोड़ रुपए हो गई थी। यशवंत राव चौहान ने 28 फरवरी 1973 को यह बजट पेश किया था। ब्लैक बजट ने सामान्य बीमा कंपनियां, भारतीय कॉपर कॉर्प और कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण के लिए 56 करोड़ रुपए प्रदान किए थे। इसके माध्यम से बिजली, सीमेंट और स्टील जैसे उद्योगों में कोयले की बढ़ती मांग के अनुरूप निर्बाध अनुमति देना था। उसके बाद प्रणब मुखर्जी वित्त मंत्री बने। ये पहले राज्यसभा सदस्य थे जो वित्त मंत्री बने। इन्होंने वित्तीय वर्ष 1982-83, 83-84 और 84-85 के वार्षिक बजट को पेश किया था। 1986 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार के वित्त मंत्री वीपी सिंह ने बजट पेश किया था। वीपी सिंह ने यह बजट 28 फरवरी 1986 को पेश किया था। इस बजट ने लाइसेंस राज के खात्मे की शुरुआत की थी। ये प्रमुख अप्रत्यक्ष कर सुधारों की बुनियादी शुरुआत थी, जो आगे चलकर जीएसटी शासन में बदलाव की वजह बनी। 1987-89 में वीपी सिंह के सरकार से इस्तीफा देने के बाद प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने इस दौरान बजट पेश किया था और पहली बार बजट में कॉरपोरेट टैक्स के नियम की शुरुआत की थी। उसके बाद एनडी तिवारी ने 1988-89 के लिए, एसवी चौहान ने 1989-90 के लिए और प्रोफेसर मधु तनवते ने 1990-91 के लिए केंद्रीय बजट पेश किया था। 1992-93 का अंतरिम बजट मनमोहन सिंह द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण इस बजट ने उदारीकरण के दौर को बढ़ावा दिया था। इसमें आयात निर्यात नीति को संशोधित कर आयात शुल्क को 300% से घटाकर 50% कर दिया गया था। वर्ष 1991-92 में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत, विदेशों से प्रतिस्पर्धा करने के लिए भारतीय उद्योगों को तैयार करने और भुगतान संतुलन बनाने के मकसद से की गई थी। सरकार ने सीमा शुल्क को भी 220% से घटाकर 150% कर दिया था। The reforms of 91 and subsequent reforms have laid the foundations of India emerging as one of the fastest growing economies of the world. Market development, which is very important for financing the country's economic growth and integration of the Indian economy with the global economy. 1996 में चुनाव के बाद एक गैर कांग्रेसी सरकार यानी नेशनल फ्रंट ने कार्यभार संभाला था। इसमें 1996-97 का वित्तीय बजट पी चिदम्बरम द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जो तब तमिल मनीला कांग्रेस में थे। इसे ड्रीम बजट भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें भारत में आर्थिक सुधारों के लिए एक रोडमैप प्रस्तुत किया गया था, जिसमें आयकर दरों को कम करना, कॉरपोरेट करों पर से अधिभार को हटाना और कॉरपोरेट कर दरों को कम करना शामिल था। ड्रीम बजट के सबसे दीर्घकालिक प्रभावों में से एक आयकर संग्रह पर रहा, जो 1997 में 18,700 करोड़ रुपए से बढ़कर 2013 में 2 लाख करोड़ से अधिक हो गया। फिलहाल मार्च 1998 में आम चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र में सरकार बनाई। इस सरकार में तत्कालीन वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने 1998-99 के लिए अंतरिम और अंतिम बजट पेश किया था। 1999 में आम चुनाव के बाद सिन्हा फिर वित्त मंत्री बने और 1999-2000 से 2002 और 3 तक 4 वार्षिक बजट पेश किए। उन्होंने 29 फरवरी सन 2000 को भारत को एक प्रमुख सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हब के रूप में बढ़ावा देने के इरादे से ये बजट पेश किया था। सॉफ्टवेयर निर्यात की शुरुआत से भारतीय आईटी उद्योग में असाधारण वृद्धि हुई। मई 2004 में चुनाव के कारण जसवंत सिंह द्वारा एक अंतरिम बजट भी पेश किया गया था। इसमें बजट प्रस्तुति का समय शाम 5 बजे से बदलकर सुबह 11 बजे कर दिया गया। इसके बाद 2004 से 2014 तक कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए 1 और यूपीए 2 सरकारों का कार्यकाल रहा। I rise to present the budget for 2009-10. इस दौरान प्रणब मुखर्जी और पी चिदम्बरम ने केंद्रीय बजट पेश किया था। इस दौर में आए बजटों की कुछ मुख्य बातें इस प्रकार थीं।
इसमें सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी का अनुमान 8.6% की दर से बढ़ा था। अर्थव्यवस्था में उल्लेखनीय लचीलापन आया था, लेकिन निरंतर उच्च खाद्य कीमतें यानी फूड इन्फ्लेशन एक प्रमुख चिंता का विषय रही। खाद्य पदार्थों की बेहतर उपलब्धता के बावजूद कीमतों में मौसमी गिरावट से उपभोक्ताओं को लाभ नहीं पहुंचा था। वित्त वर्ष सन 2010-11 के बजट में कृषि क्षेत्र को पुनर्जीवित करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन जैविक उर्वरकों और टिकाऊ खेती के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं था। निर्यात में 29.4% की वृद्धि हुई थी, जबकि आयात में 17.6% की वृद्धि दर्ज की गई थी। कृषि ऋण का लक्ष्य 2012-13 में 1,00,000 करोड़ से बढ़ाकर 5,75,000 करोड़ रुपए कर दिया गया था। किसानों को ऋण मुक्त करने के लिए कोई टिकाऊ पहल नहीं की गई थी। गरीबों के लिए देश भर में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजना शुरू करने का वायदा किया गया था। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक पारित किया गया था। इस तरह की खबरें देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन कीजिए।